मंत्रालय के शुभारंभ के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी के देवास आगमन को लेकर तैयारियां पूरी हो गई हैं। वित्त मंत्री आज दोपहर 12 बजे देवास पहुंचेंगे। इस कार्यक्रम में उनके साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे। इससे पहले आज बम स्क्वाड और स्निफर डॉग की मदद से तलाशी भी ली गई। कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया हमारे संवाददाता अमिताभ शुक्ला ने। देवास में आज बैंक नोट प्रेस मुद्रणालय में नई मशीनों का शुभारंभ करने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी का आज देवास आगमन हो रहा है। और देवास के हम इस वक्त खड़े हैं बैंक नोट प्रेस परिसर में, जहां पर मुख्य कार्यक्रम आयोजित होना है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि मंच पर पूरी तैयारियां पूरी कर ली गई है। प्रणब मुखर्जी जो कि देश के वित्त मंत्री हैं, वो आज देवास में आकर देवास के बैंक नोट प्रेस मुद्रणालय में नवीन जो मशीन है उनका लोकार्पण करेंगे और देश को समर्पित करेंगे। साथ ही उनके साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहेंगे और पूरी सारी व्यापक तैयारियां जितनी भी इससे जुड़ी हुई है, इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई सारी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। साथ ही साथ सुरक्षा व्यवस्था के भी माकूल इंतजाम कर दिए गए हैं और सुरक्षा व्यवस्था काफी चाक चौबंद कर दी गई है। और इसके साथ ही जितनी भी सारी तैयारियां होना चाहिए, जैसे कि हेलीपैड निर्माण है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, सभा स्थल जो है उसको भी पूरा पूरी तरह से सजाया संवारा जा चुका है। और साथ ही केंद्रीय वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी के दौरे को लेकर देवास का प्रशासन के साथ ही स्थानीय बैंक नोट प्रेस का भी जो प्रशासन है, CISF है और अन्य बल की टुकड़ियां हैं, वो सघन यहां पर तलाशी भी कर रही है, जांच भी चल रही है। साथ ही साथ स्निफर डॉग्स की भी मदद ली जा रही है, बम डिस्पोजल स्क्वाड को भी साथ में रखा जा रहा है और पूरी सुरक्षा व्यवस्थाएं भी यहाँ पर पुख्ता कर ली गई हैं। और केंद्रीय वित्त मंत्री का जो आगमन है वो करीब 12 बजे के करीब यहाँ पर होगा, जिसके बाद यहाँ पर करीब एक घंटे तक केंद्रीय वित्त मंत्री यहाँ पर रुकेंगे। साथ ही पूरा प्रोग्राम यहाँ पर, उनका कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया जाएगा। देवास से अमिताभ शुक्ला, बंसल लिया। ये थे हमारे संवाददाता देवास से, जिन्होंने जायजा लिया कार्यक्रम स्थल का, जहां 12 बजे करीब फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया प्रणब मुखर्जी पहुंचने वाले हैं। आइए अब आपको दिखाते हैं दो चोरों की दास्तान।